भाई बहुत मौसम ठंडा हो गया है, देख रहे होंगे आप। तो भाई फाइनली मैं निकल गया हूँ। बहुत बहुत मौसम ठंडा ठंडा है आज तो, बहुत ज़्यादा अब लग रहा है। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। आज गाइस मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था और आज थोड़ा सा क्या है कि मौसम थोड़ा ख़राब था और मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, तो मैंने कहा कि आज थोड़ा जल्दी चलते हैं। और अभी गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाता हूँ साइकिलिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं साइकिलिंग के लिए नहीं गया, थोड़ा हमने कहा बॉडी में एनर्जी भी आ जाएगी। तो गाइस मेरी साइकिल है रेडी, देखिए गाइस दिस इज माई साइकिल और मैं बाहर निकालता हूँ इसको। तो गाइज मेरी साइकिल है रेडी और अब हम चलते हैं साइकिलिंग के लिए। तो गाइज मैं निकलता हूँ यहाँ से और अभी काफी ठंड हो गई है। तो गाइस फाइनली मैं निकल गया हूँ। बहुत बहुत मौसम ठंडा ठंडा है आज तो, बहुत ज़्यादा अब लग रहा है सर्दी बढ़ रही है। अब तो मुझे लग रहा है थोड़ी सर्दी कम होगी पर बढ़ रही है अभी। गाइस बहुत मौसम ठंडा हो गया है, देख रहे होंगे आप, फॉग दिख रहा होगा आपको और अच्छा भी लग रहा है, मतलब ठंडा ठंडा। अभी देखो पप्पी दिखाई दी, आओ आजा आजा, ये तो मुझसे भाग रहे हैं हर दूर, लग रहा है इनको डर लग रहा है इस एरिया में। आजा, देखते हैं बुलाने के आते गए इसके लिए कहीं। लाइट ना थोड़ी सी काम नहीं कर रही, तो मैंने कहा देखता हूँ कि चलती कि नहीं, ये डाउन हो जाती है, पता नहीं क्यों लग रहा है। मैंने चार्ज नहीं करी ना, हाँ दो तीन दिन से ये खड़ी हुई है इस वजह से। चलो ये तो नहीं आ रहे, तो हम लोग आगे चलते हैं गाइस। अभी इतना डेवलप नहीं है, मतलब धीरे धीरे यहाँ प्लॉटिंग हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं बहुत अच्छा रोड है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, फ्रेश एयर है एकदम। तो मुझे ये इलेक्ट्रिकों का ये वाला पार्ट बहुत पसंद है गाइस। अभी भी गाइस बहुत प्लॉट यहाँ पे खाली पड़े हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, तो ये वाला एक पार्ट काफ़ी बेस्ट है लगता है। अगर आप इधर सेटल होना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कैमरा है ना जो नाइट में मुझे लग रहा है सही से काम नहीं करता, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा डल वीडियो आते हैं, मुझे लग रहा है नाइट ब्लॉकिंग के लिए बेस्ट नहीं है भाई ये। आगे से ना मैं यू टर्न ले लूँगा। ये गाइस यहाँ पे ना GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, तब ये पूरा ब्यूटीफाई किया गया था इससे, और रोड एकदम चमक गए थे, लाइटें वगैरह लगाई गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था उस टाइम। तो आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि आगे का रूट थोड़ा कच्चा है। ये पावर हाउस है तो थोड़ा सा सर्विसिंग की जरूरत है, काफी टाइम से खड़ी हुई है ना साइकिल।
तो गाइस मैं काफ़ी देर से साइकिलिंग कर रहा हूँ, अराउंड तो मुझे एक घंटा हो चुका है और मैं थक भी गया हूँ। तो मैंने कहा कि एक बार ये वाला रोड कंप्लीट करने के बाद ना यू टर्न लेके मैं घर की तरफ चलूँगा। तो गाइस फाइनली मैं अब घर की तरफ चलता हूँ, काफ़ी देर से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस चलते हैं रूम पर। कहीं कहीं ना बहुत सही लाइटिंग है, कहीं कहीं ना बिल्कुल ही डार्कनेस, तो ये थोड़ा पॉइंट है। बाकी मोस्टली जगह लाइट मतलब है, मतलब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं आगे से राइट लूँगा, मैं अपने घर की तरफ चलता हूँ। थकान सी हो गई ना। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ, मैं फाइनली रूम पे आ गया था और मैंने खाना खाया और काफ़ी घर की एक्टिविटी थी वो भी कर ली। तो वैसे बहुत अच्छी एक्सरसाइज रही आज और मैंने काफ़ी देर तक साइकिलिंग की, अराउंड एक घंटा हो गया होगा मुझे। तो अब मैं सोच रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग उठ के ना मैं जनेश्वर मिश्रा पार्क है वहाँ जाऊँ और फिर उसका ब्लॉग शूट करूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।